नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। 22 मई से WHO की जिम्मेदारी संभालेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। COVID-19 वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं चीन से निकले COVID-19 ने चीन को सबके निशाने पर ले रखा है। इतने दिनों तक तो चीन WHO के साथ किसी तरह मेल मिलाप कर COVID-19 के मामले को छिपाता आया है, लेकिन अब 22 मई से उसकी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि 22 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी जिम्मेदारी भारत को मिलने जा रही है, जिसकी बागडोर डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथ में होगी, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन को 34 सदस्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन के पद पर पद स्थापित किया जाएगा। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया ग्रुप द्वारा लिया गया फैसला चीन की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में भी शक के घेरे में है, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम देश यही कह रहे हैं कि COVID-19 को चीन के एक प्रयोगशाला में उत्पन्न किया गया। वहीं भारत के हाथ में जिम्मेदारी आते ही भारत भी इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देगा। COVID-19 के माहौल में इसराइल की कंपनी ने बनाया एक अनोखा मास्क। COVID-19 से बचाव के लिए इसराइल की एक कंपनी ने एक अनोखा मास्क बनाया है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को खाना खाने के लिए मास्क को उतारना पड़ता है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसराइल की कंपनी ने एक अनोखा आविष्कार किया है। कंपनी द्वारा बनाया गया मास्क मशीन से जुड़ा हुआ है और रिमोट के जरिए चलाया जा सकता है। खाना खाने के लिए मास्क को बिना उतारे ही काम में लिया जा सकता है। खबरों की माने तो रिमोट कंट्रोल के जरिए मास्क पहनने वाले इसको चला सकेंगे। कंपनी का यह भी दावा है कि इस डिवाइस को लगाकर रेस्टोरेंट जाना आसान हो जाएगा। जहां चम्मच मुंह तक लाया जाएगा, तब मास्क खुद ब खुद खुल जाएगा। हालांकि इस मास्क के जरिए आइसक्रीम वगैरह खाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में निकाली खामियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले देश के संबोधन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज में खामियां निकाली है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है। दिल्ली वाले हर साल केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में ज्यादा तवज्जो लोन पर दिया गया है। अगर कोई इंडस्ट्री बगैर गारंटी के लोन मिल जाएगा, लेकिन इस समय जरूरत है आम आदमी को मदद पहुंचाने की, तो केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आम आदमी को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना चाहिए था। स्नैपडील ने शुरू की सामानों की सप्लाई। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी पूरे देश में अपने डिलीवरी सर्विस को शुरू कर दिया है, जिसके तहत कंपनी 26,000 से ज्यादा पिन कोड क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है। वहीं कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि वह अपने ग्राहकों को माल डिलीवरी होने पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दे रही है, जैसा कि वह पहले करते आई है। वहीं कंपनी ने यह भी दावा किया है कि डिलीवरी पर कैश पेमेंट का विकल्प पेश करने वाली वह पहली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है। उसने बंद शुरू होने से पहले मिले 50% ऑर्डर की आपूर्ति पूरी कर ली है। यह ऑर्डर बंद की वजह से पूरे नहीं किए जा सके थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को पूरी तरीके से सामान डिलीवरी करने पर रोक लगा दी है, जिसके तहत 25 मार्च से ही सभी ई कॉमर्स कंपनियां काफी ज्यादा नुकसान का सामना कर रही है। दिल्ली में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी 3 गुना। जहां दिल्ली में लगातार COVID-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार को राहत की खबर मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में COVID-19 से उबरने की दर 3 गुना तक बढ़ गई है। पिछले एक महीने में राजधानी में संक्रमण की जांच में 6 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि इस दौरान संक्रमण के मामले सिर्फ 5 गुना ही बढ़े हैं। दिल्ली में 19 अप्रैल तक COVID-19 संक्रमण के 2003 मामले थे। एक महीने बाद 19 मई तक 8,552 मामले बढ़ गए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 10,000 को पार कर गई है। वहीं COVID-19 जांच में तेजी आई है। पिछले एक महीने की जांच में 24,387 से बढ़कर 1,45,854 हो गई है। वहीं अब दिल्ली में 45% लोग COVID-19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं। एक महीने पहले 19 अप्रैल तक दिल्ली में केवल 14% लोग संक्रमण से ठीक हुए थे। चीन द्वारा पाकिस्तान को चूना लगाने की बात आई सामने। चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता है, लेकिन हाल ही में CPEC के जरिए पाकिस्तान को चूना लगाने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट में चीनी बिजली कंपनियों के इस कदम का खुलासा किया गया है। जानकारों की माने तो चीनी कंपनियों ने चुपचाप से बिजली के दाम बढ़ाकर पाकिस्तानी नागरिकों की जेब पर दबाव बढ़ाया है। सूत्रों की माने तो $62 करोड़ की लागत वाले चीनी पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए कई चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में निवेश किया है, जिसमें बिजली कंपनियां भी शामिल है। यह कंपनियां पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई का काम करती है। हाल ही में बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों ने बिजली बिल को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। घर बैठे बैठे अब आसानी से खुलवा सकते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए किसी भी आम नागरिक को बैंक के
चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि कई बैंकों ने ग्राहकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नया अकाउंट खोलने की सुविधा देने की तैयारी कर ली है। सभी बैंकों में वीडियो प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग अंतिम चरण में है। इस साल जनवरी में RBI ने वीडियो बेस्ड KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी। वहीं ग्रामीण इलाके में खाता खोलने के लिए आधार डेटा पर निर्भर रहना पड़ता था। वीडियो कॉल के जरिए ग्राहकों का बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया एक अहम कदम साबित होगी और इससे ब्रांचलेस बैंकिंग को नई दिशा मिलेगी। आपको बता दें, वर्तमान समय में अकाउंट खुलवाने के लिए ग्राहकों को चलकर बैंक ब्रांच जाना पड़ता है और फिर फॉर्म भर के बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, मगर अब इस सुविधा के शुरू होने के बाद घर बैठे बैठे बैंक अकाउंट आसानी से खुलवाया जा सकेगा। जानकारों की माने तो देश के टॉप 10 बैंक में से अधिकतर वीडियो KYC के साथ तैयार है और इसमें से कुछ ने तो इसे लॉन्च भी कर दिया है। कारोबारियों को जाता देख बौखलाया चीन। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक के बाद एक कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके बाद चीन की बौखलाहट साफ साफ दिखने लगी है। जिसके तहत ग्लोबल टाइम्स में दिए अपने एक साक्षात्कार में चीनी सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि बंद से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रही है, लेकिन वह चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को उल्टा सीधा भी कह दिया है। आपको बता दें, COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जर्मनी की जूता कंपनी ने अपना यूनिट चीन से आगरा शिफ्ट करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट करने की बात कही है। जानकारों की माने तो पहले अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर हुए कसाकसी के बाद अब COVID-19 की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित होता देख लगभग 1,00,000 कंपनियां चीन से निकलना चाहती है। हालांकि भारत में भी चीनी कंपनियों को यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए अपना रास्ता खोल दिया है। अब 17 राज्यों के लिए ट्रैवल पास हासिल कर सकते हैं आम नागरिक। केंद्र सरकार में अनुबंध की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार चौथे चरण के बाद में सरकार की ओर से कुछ छूट भी दी गई है। किसी जरूरी काम के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, लेकिन अंतरराज्य है कि यात्रा के लिए उन्हें पहले ही पास की जरूरत पड़ेगी। ई पास लेने के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट या केंद्र सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, जिसके तहत सिंगल एक्सेस वेबसाइट के जरिए फिलहाल 17 राज्यों के पास बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें दिल्ली का नाम शामिल नहीं है। बस सभी आम नागरिकों को सिंगल एक्सेस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर राज्यों को चुनना होगा जो शहर के लिए आप पास बनवाना चाहते हैं। इसके बाद आप उस राज्य सरकार की वेबसाइट पर चले जाएं, जहां पर अप्लाई फॉर ई पास पर क्लिक करें और यहां से यात्रा से संबंधित जानकारी साझा करें। सभी जानकारी भरने के बाद संबंधित विभाग आवेदन की समीक्षा करेगा। विभाग के हाथ में होगा कि वह आपको ई पास मुहैया करवाना चाहता है या नहीं। पास के अप्रूव होने के बाद ही आपको मोबाइल पर एक SMS मिल जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर बिना मास्क वालों को अब नहीं मिलेगी पेट्रोल और डीजल। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने बंद के चौथे चरण का ऐलान कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि भले ही बंद के चौथे चरण में लोगों को काफी छूट दी जा रही है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप पर सख्ती से पेश आते हुए यह साफ कर दिया गया है कि जो भी ग्राहक बिना मास्क के पेट्रोल पंप पर जाएगा, उसे पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, जिसकी जानकारी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने जारी कर दी है। जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 21 मई से नो मास्क नो फ्यूल फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप कर्मी तेल नहीं देंगे जिनके पास मास्क नहीं होगा। फेसबुक ने व्यवसायियों के लिए शुरू की नई सेवा। COVID-19 की वजह से परेशान चल रहे व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकान की सेवा शुरू करने का ऐलान जारी किया है। इस सुविधा के तहत दुकानदार अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और उसमें अपने तरीके से चीजों और सामानों को सजा पाएंगे। फेसबुक के मुताबिक इस नई सुविधा का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायियों की ऑनलाइन उपस्थिति हो और वे मौजूदा स्थिति में खुद को बरकरार रख सके। इसके तहत कंपनी के CEO मार्क ज़करबर्ग ने एक लाइव स्ट्रीमिंग में कहा था कि COVID-19 के इस दौर में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए ई कॉमर्स का विस्तार करना जरूरी होगा। यदि आप अपने रेस्टोरेंट को शारीरिक रूप से नहीं खोल सकते हैं, तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं और उन्हें लोगों तक भेज सकते हैं। वहीं फेसबुक पर दुकान खोलने के बाद उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने ऑनलाइन दुकान बनाने के लिए स्वतंत्र है। इससे भुगतान के अन्य सेवाओं में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण है, व्यवसाय के अवसर पैदा कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार छोटे उद्योग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला कितना कारगर साबित होगा, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।